हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ मेडिसिन। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको टोडेक्स कफ लिंकटस से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी मिलने वाली है, तो कृपया इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आइए बात कर लेते हैं टोडेक्स सिरप किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये टोडेक्स सिरप जो है खांसी, छाती में रक्त संचय, सर्दी, दमा और सांस संबंधी समस्याएं और जो खांसी आने में प्रॉब्लम होती है, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम होती है, फेफड़े में विकार होता है और खांसी जो बलगम वाली खांसी आती है, गीली खांसी आती है, खांसी आते समय आपके आँखों से आंसू आने लगता है और सर भी भारी हो जाता है, सर्दी जो खाम वाली खांसी आती है, ऐसी कोई भी प्रकार की आपको खांसी आ रही है तो वहाँ पे इस टोडेक्स कफ लिंकटस सिरप का यूज करके उस खांसी से आप निजात पा सकते हैं। तो आइए इस टोडेक्स सिरप के साइड इफ़ेक्ट के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो सिरप पीने के बाद यदि आपको ऐसी कोई भी दुष्प्रभाव का पता चलता है जो मैं बता रहा हूँ अभी, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे निद्रा विकार, चक्कर आना, खुजली, मतली, उल्टी होना, दस्त होना, सिर दर्द करना, पेट में दर्द होना, खुजली वाले चकत्ते होना, ऐसी कोई भी समस्या आपको दिखती है तो तुरंत आप अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करें। तो आइए इस सिरप का प्रयोग करने से पहले कुछ सावधानियां पर भी चर्चा करते हैं। अगर दवा के उपयोग के बाद लक्षण 14 दिनों से अधिक समय तक खराब हो या खराब हो जाए तो चिकित्सक की सहायता करें। गर्भवती या गर्भवती होने की योजना या स्तनपान करा रही हैं तो उस समय इस सिरप को देने से पहले डॉक्टर से संपर्क करें। तो आइए अब टोडेक्स सिरप के साथ क्या नहीं लेना चाहिए उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो अल्कोहल और एमिनोफाइलिन और डाइगोक्सिन और फ्यूरसोमाइड और एस्ट्राइड्स जैसे कोई भी मेडिसिन इस सिरप के साथ नहीं लेना चाहिए और इसका इस्तेमाल कब ना करें, आइए इसके भी बात पता कर लेते हैं। जैसे कि दौरे के समय इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए या तो प्रयोग करते समय अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं इस टोडेक्स कफ सिरप कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे टर्क कंपनी के द्वारा बनाई गई ये प्रोडक्ट है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या कंपोजिशन मिलाया गया है। तो ये कंपोजिशन आप देख सकते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड फेनाइल फिराइन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनरामाइन मेल्टेड सिरप जो मिलाया गया है और ये 88 रुपये की प्रोडक्ट है जो कि 100 ml के रैपर में आता है और आप इसे आसानी से किसी भी केमिस्ट शॉप पर या ऑनलाइन ले सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं 10 mg, 5 mg, 2 mg प्रोडक्ट जो कंटेंट मिलाया गया है इसमें, जो इसमें कंपोजिशन है और इसको कैसे सेवन विधि कैसे करना है, आइए इसके विषय में बात कर लेते हैं। जो ये ऊपर कैप लगा हुआ है, इसी कैप से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो 10 साल के ऊपर हैं उनको 10 ml सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम देना चाहिए और जो 5 साल से 10 साल के हैं उनको 1 ढक्कन और जो 2 साल से 5 साल तक के लिए हैं उनको आधा ढक्कन सुबह, दोपहर, शाम 3 बार देना है। इसके विषय में इसको यूज करने से पहले ये बात का ध्यान रखें कि खाली पेट इस सिरप का प्रयोग नहीं करना है, कुछ खाने पीने के बाद ही इस सिरप का प्रयोग करना है। और एक ज़रूरी बात ये कि सिरप का प्रयोग करने के बाद आपको आधे से 1 घंटे तक पानी का सेवन नहीं करना है। तो ये थी टोडेक्स सिरप और के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।